सुहागनों के सबसे बड़े पर्व करवा चौथ को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन सोने चांदी के आभूषणों को लेकर महिलाओं में कम ही क्रेज देखने को मिला, जिस कारण मंडी शहर के मुख्य बाजारों में स्वर्णकारों की दुकानों पर कुछ खास चहल पहल नहीं देखने को मिली। हालांकि त्यौहार को लेकर महिलाएं कपड़े मनियारी की दुकानों में खूब शॉपिंग कर रही हैं, साथ ही सैलून में भी सजने धजने के लिए महिलाओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। दुकानदारों की माने महिलाएं करवा चौथ के साथ साथ दिवाली को लेकर भी खूब शॉपिंग कर रही हैं। वहीं बाजारों में फिर से चहल पहल बढ़ने से दुकानदारों के चेहरों पर भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जहां बाजार सूने पड़ चुके थे तो दुकानदारों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। नमस्ते, मैं मीना। मैं इस त्यौहार को 12-14 साल से मना रही हूँ और इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। हमारी खुद की शॉप है तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी लेडीज आती हैं और खूब सी शॉपिंग। मैं नेहा महाजन, ये आज हम मैं थोड़ी शॉपिंग करने के पर्पज़ से आई थी। अब आपको पता ही है कि करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, एज सून एज 24 को है, तो हम लेडीज़ के लिए कि बहुत ही उत्साहित त्यौहार होता है, बहुत क्रेज़ रहता है हम लोगों का। इसमें हम लोग खूब सारी शॉपिंग करते हैं, चूड़ियाँ खरीदते हैं, बिंदियाँ खरीदते हैं, नए नए आर्टिकल्स लेते हैं, सूट्स लेते हैं। तो ये जो त्यौहार है ये बहुत ही ट्रेडिशनल है त्यौहार जो है। तो करवा चौथ 24 को है तो हम लोग जल्दी मॉर्निंग में उठ के सरगी खाते हैं, उसके बाद हम लोग मेहंदी लगाते हैं, हम सारी मोहल्ले की लेडीज़ जो हैं इकट्ठी होके बाज़ार में आते हैं सज धज के, तो उस दिन खूब रौनक रहती है बाज़ार में भी। और शाम को जो है हम चांद को देख के ये व्रत खोलते हैं अपना, तो इस दिन हम अपने हस्बैंड की जो है पूजा करते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो इसी तरह से ये जो त्यौहार होता है, रात को हम लोग इसका पूरा जो रात को जो होता है हम चांद को अर्घ देके इसका हम समापन करते हैं त्यौहार का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट में खूब रश है इस त्यौहार को लेके, खूब सारी शॉपिंग की जा रही है। करवा चौथ पे महिलाओं के में खास उत्साह दिख रहा है। इस बार जितने भी लोग आ रहे हैं अपना सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और अपने गंतव्य से खूब खरीदारी कर रहे हैं और बाजार में उत्साह है और दुकानदारों में भी बहुत खुशी है कि बड़े दिन बाद हमें ऐसा मौका मिला है जब लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही आगे चला रहे और लोग अपने पुरानी वाली रूटीन पे आ जाएं और अपने सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करते हुए इस बीमारी से बचें। अभी रेट तो GST लगने के कारण अच्छे से ही फिक्स रेट पे माल आ रहा है और बहुत ही वाजिब दामों पर सामान बेच रहे हैं सभी को, और जितने भी लोग आ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से डील हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।